हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हिंदू नेताओं की ओर से जालंधर के मिठा बाजार स्थित लाहौरिया मंदिर में शुरू किए गए श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ की श्रृंखला के तहत श्री हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। इस मौके पर शिवसेना उत्तर भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कम्बोज ने कहा कि हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हिंदुओं को साथ लेकर बहुत जल्द ही 20 जनवरी को शिवसेना उत्तर भारत भगवा मार्च निकालने के लिए तैयारियाँ कर रही हैं, जिसमें 200 के करीब शिव सैनिक सर्किट हाउस से चलकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक जाएंगे, जिसमें साधु समाज और हिंदू नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय चेयरमैन कपिल वर्मा, जिला जालंधर के प्रधान विवेक कौशल, राष्ट्रीय प्रभारी सोनू थापर, उप प्रधान दीपक तिवारी, विकास, सोहम, गोरा, राजेश, हनी, मनी, रोहित, चंद्र प्रकाश एवं चांद भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। शिवसेना उत्तर भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कंबोज, असी जिहड़ा प्रोग्राम शुरू किया हर मंगलवार दे मंगलवार हनुमान चालीसा जी का पाठ लाहौरिया मंदिर तो शुरू किया आ, हौली हौली असी छोटे छोटे मंदिरों में हनुमान चालीसा जी का पाठ करावांगे। एक गल होर दसना चाहना है, शिवसेना उत्तर भारत की ओर तो 20 तरीक नूं एक सर्किट हाउस के कोलों चल के कमिश्नर दफ्तर तक 200 के करीब शिव सैनिक इकट्ठे होकर भगवा मार्च कढ़ांगे। मैं शिवसेना उत्तर भारत वालों विवेक कौशिक जिला प्रधान, अज जो कि आप लाहौरिया मंदिर हनुमान चालीसा जी का पाठ रखा है, ये हनुमान चालीसा जी का पाठ असी हर मंगलवार साड़ी कोशिश ये होएगी कि शहर के हर छोटे मंदिरों से करवाया जाएगा। प्लस अपना 20 तरीक न जड़ा आप मार्च चुका है भगवा मार्च है, वो 20 तरीक न साड़ी कोशिश ये होएगी कि वध तो वध कट्ठा करके तो आप मौके पर पहुँचांगे।